नमस्कार दोस्तों, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। होपफुली आप लोगों को ठंड लगना भी प्रारंभ हो चुका होगा। और कल एक जो खबर आई थी कि जो मुख्यमंत्री जी हैं और राजस्थान के जो वित्त मंत्री हैं श्रीमान अशोक गहलोत साहब, उन्होंने 31,000 जो पद हैं तृतीय श्रेणी अध्यापकों उनके लिए वित्तीय स्वीकृति जो है वो प्रदान कर दी है। उसके बाद हमारे मन को भी, हमारे कलेजों को भी एक ठंडक पड़ी है कि अब रिट की वैकेंसी है वो जल्द ही आ जाएगी। आप लोगों के मन में जो काफ़ी समय से एक अनिश्चितता की स्थिति में कह सकता हूँ कि कब आएगी रिट आएगी, लगातार शिक्षा मंत्री जी अलग अलग बयान दे रहे थे, फिर कोरोना का संकट था, एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन्ड हो रहा था, वैकेंसी का कोई अता पता नहीं था। आप लोगों के मन में काफ़ी शंकाएँ गिर गई थी, तो अब उन शंकाओं का थोड़ा बहुत समाधान हो गया होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ प्रश्न बाकी रहे होंगे और या फिर अब वो प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे जो कल से जो 31,000 तृतीय श्रेणी अध्यापक पदों की जो वित्तीय स्वीकृति मिली है, मुख्यमंत्री जो फाइल स्वीकृत की है, उसके बाद जो आपको मन में जो सवाल आ रहे होंगे उन्हीं को लेकर ये वीडियो बनाया है। तो पहले आप थोड़ा मेन्यू चार्ट देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से सवालों का जवाब हम इस वीडियो के थ्रू आपको देंगे या फिर आप किन प्रश्नों का जवाब इस वीडियो से हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके दिमाग में जो आएगा कि वैकेंसी कब तक आएगी? अभी तक तो सिर्फ वित्तीय स्वीकृति मिली है, वैकेंसी कब तक आएगी? फिर चलो वैकेंसी आ गई तो दूसरा प्रश्न हमारे मन में तैयार रहता है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। हालांकि एक प्रश्न और भी आता है कि एग्ज़ाम समय पर होगा या नहीं होगा, वो भी एक प्रश्न आता है, लेकिन वो एग्ज़ाम के दिनों में आता है, अभी वो पहले नहीं आएगा, तो उसका हम बाद में कभी देखेंगे उसको। तीसरा जो प्रश्न आपके दिमाग में होगा कि चलो वैकेंसी भी आ गई, एग्ज़ाम डेट भी आ गई, अब तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर, तो उसका भी समाधान इस वीडियो में आपको मिलेगा। अब चौथा प्रश्न ये है कि कई स्टूडेंट पूछते भी हैं कि सर वैकेंसी भी आ गई, सब कुछ है, लेकिन हम रिट और पटवारी दोनों की योग्यता रखते हैं, किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, रिट के एग्ज़ाम की तैयारी करें या पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो उस प्रश्न का भी समाधान मिलेगा आपको। चौथा प्रश्न आता है कि चलो ये भी प्रश्न सुलझ गया, तो ये प्रश्न हमारे मन में कभी ख़त्म होते नहीं हैं। तो प्रश्न आता है कि सर घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या जयपुर जोधपुर जैसे बड़ी जो सिटीज है वहाँ जाके हम पढ़ाई कैसे करें, वापस हम जो हमारा रूम है वो वहाँ पे खरीद ले, वहाँ रह के पढ़ाई करें। चलो इस प्रश्न का भी समाधान मिल जाता है, तो चौथा छठा प्रश्न हमारे दिमाग में आने लग जाता है। वो प्रश्न ये आता है कि सर कोचिंग करें या नहीं करें? कोचिंग ऑब्वियस है कि ऑफलाइन तो पॉसिबल है नहीं अभी तक, शायद ही होगी अगले कुछ महीनों तक, तो ऑनलाइन कोचिंग को लेकर ये सवाल होगा। तो इसी इन छह सवालों को लेकर, जो छह सवाल हैं इनको लेकर इस वीडियो में मैं समाधान देने की कोशिश करूंगा। पूर्णतः किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूंगा। तो आते हैं पहले सवाल पे, वैकेंसी कब तक आएगी? तो दोस्तों, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जो अनुभव कहता है कि जो आपकी वैकेंसी है या तो अक्टूबर महीने में ही आ जाएगी, इसी महीने में आ जाएगी, या फिर जो नवंबर महीने का पहला पखवाड़ा है 15 नवंबर तक, वहाँ तक तो किसी भी सूरत में आपकी जो रिट की वैकेंसी वो आ जाएगी। तो होपफुली पहले प्रश्न का समाधान हो गया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न पर कि एग्जाम कब तक होगा। तो दोस्तों, एग्जाम की जो लेकर ये है कि एग्जाम को लेकर जिस तरह की सिचुएशन है क्लियरली कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं आपको मतलब संभावनाओं के आधार पर बताता हूँ, ज़्यादा संभावना ये है, लगभग 70% या 70-80% संभावना ये है कि आपके रिट के जो एग्ज़ाम होंगे वो फरवरी महीने की, जो अभी एक दो दिन पहले फेक न्यूज़ चली थी और हमने भी गलती से अपने चैनल पे उस वीडियो को डाल दिया था, हालांकि बाद में जल्दी हटा दिया था उसको। तो ज़्यादा संभावना ये है कि फरवरी जो महीना है उसके पहले सप्ताह में आपके जो रिट के एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो जाएंगे, फरवरी जो महीना है उसके पहले सप्ताह में कंडक्ट होंगे। लेकिन फिर भी अगर परिस्थितियाँ कुछ बदल दी या फिर जो गवर्नमेंट है उन्होंने दो एग्ज़ाम करवाने का फैसला लिया, ऐसा कुछ चीज़ें हुई, हालांकि अभी उसकी संभावना नहीं लगती है, तो ऐसा कुछ हुआ तो एग्ज़ाम आपके मई महीने तक जा सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम है, मैक्सिमम चांसेज है कि फरवरी महीने में होगा, फरवरी 2021 में, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको लेट खींच भी लिया तो वो आप जानते हैं कि हमारी वर्तमान सरकार थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेती है, काफ़ी सोच समझ के, थोड़ा नहीं काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेती है, तो ये एग्ज़ाम आपके मई 2021 तक भी जा सकता है मैक्सिमम। अब अगला प्रश्न पे आते हैं कि चलो सर एग्ज़ाम भी हम समस्या सुलझ गई हमारी, प्रिपरेशन कैसे करें, ये भी सवाल आपके मन में मन में आता होगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमने दो वीडियो बना रखे हैं, रिट लेवल सेकंड और रिट लेवल फर्स्ट, दोनों के लिए हमने वीडियो बना रखे हैं। रिट लेवल फर्स्ट का तो बहुत पहले बना लिया था और रिट सेकंड लेवल का भी वीडियो बनाया था, 2-3 महीने हुए होंगे। तो उन दोनों वीडियो के जो लिंक हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में
दोनों में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहाँ से आप काफ़ी लोग देख चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है वो भी उन वीडियो को देख लीजिए। बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से मैंने उसमें आपको तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में बताया है। अब दोस्तों चौथा प्रश्न पे आते हैं। वो प्रश्न है कि सर रिट एग्ज़ाम भी है, पटवारी एग्ज़ाम भी है, किसकी तैयारी करें? तो दोस्तों इसका जवाब मेरे या किसी को पूछेंगे, मेरे जो बड़े भाई हैं गणपत सिंह राजप्रेस सर, उन्होंने इस पर दो वीडियो बना दिए हैं, लेकिन फिर भी आप ये सवाल कंटिन्यू पूछते जा रहे हैं, अलग अलग यूट्यूबर से पूछते जा रहे हैं। तो इसका मैं तो आपको ये जवाब दूंगा कि ये डिपेंड, टोटली डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, आपकी आप सिचुएशन कैसे, आपने अभी तक किसकी तैयारी ज़्यादा बढ़िया ढंग से की है, या फिर आप किस दोनों का सिलेबस देखें, किस में ज़्यादा कंफर्टेबल करते हैं उसको आप चयन कीजिए, उसको आपने पहली प्राथमिकता रखी। तैयारी तो दोनों की करनी चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो 2016 की जो भर्ती है उस टाइम मैं भी आपके साथ स्टूडेंट था, मैं भी तैयारी कर रहा था, तो मेरे सामने भी ये संकट था। हमारे तो दोनों एग्जाम की डेट्स में सिर्फ मुश्किल से छः पाँच दिन का अंतर रहा होगा, रिट का भी था पटवारी का था। तो मैंने उस टाइम दोनों एग्जाम की तैयारी की थी, हालांकि मैंने अपनी पहली प्राथमिकता टीचर्स को रखी थी, पटवारी को दूसरी प्राथमिकता रखी थी। तो आप ऐसे भी आप अपनी प्राथमिकता तय कर लीजिए, फिर आप अधिक समय दीजिए जो आपका जो पहली प्राथमिकता है। जैसे रिट फर्स्ट लेवल वालों के लिए कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, उन्हें तो रिट फर्स्ट लेवल वालों को तो रिट की तैयारी करनी है। रिट सेकंड लेवल वाले हैं उनमें भी जिनके सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, जैसे ऐसी इंग्लिश वगैरह वैकेंसी तो ज़्यादा आती है, तो उनको भी रिट पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। बाकी के जो हैं वो दोनों में कोई चयन कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और जो वैकेंसी आने के बाद से थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। लेकिन जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक आप अपनी अभी तक की जो आपकी तैयारी है उसके आधार पर फैसला लीजिए, फिर आप क्या अनुपात में बांट दीजिए। अगर जैसे कि 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो जो पहली प्राथमिकता है उसको 6 घंटे दीजिए, 6 से 5 घंटे दीजिए, और दूसरी प्राथमिकता है उसको आप 2 से 3 घंटे दे सकते हैं। ऐसे तैयारी कीजिए। बेरोजगार के लिए कोई भी जॉब छोटी नहीं होती है, पटवारी में भी बहुत बड़ी वैकेंसी है, 4,500 के करीब पोस्ट हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को छोड़ना नहीं चाहिए जिनके पास जॉब नहीं होता है, मेरा ये व्यक्तिगत रूप से ये मानना है। बाकी आप खुद समझदार हैं, ये डिसीजन आपको ज़्यादा लेना चाहिए, ना कि मुझ पर छोड़ना चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं। सर घर पे रह के पढ़ाई नहीं होती है, क्या हम जयपुर जोधपुर वापस अपने किराए के रूम पे चले जाएं? तो दोस्तों पहली चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, और बहुत ही आप भली मुझे, मैं तो आपको अपने परिवार का सदस्य ही मानता हूँ, और उसी हक से और उसी स्नेह से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना वास्तव में एक बीमारी है। मैंने अपने आसपास देखा है, मेरे स्टाफगण एक सदस्य थे उनको मैंने खोया है, 35 साल की ही उम्र थी उनकी, वो भी इस बीमारी से उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो कोरोना वास्तव में एक बीमारी है। कल मैं देख रहा था स्प्रिंग बोर्ड का एक वीडियो, वहाँ पे दिलीप सर जो मैं जिनके लिए मेरा काफ़ी सम्मान है, वो कह रहे थे कोरोना कुछ बीमारी नहीं है, सब घोटाला वगैरह ऐसे चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ जो नेगेटिव लोग होते हैं उनकी फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है, और उनको देखकर हमें लगता है, ऐसा लगता है कि कोरोना कुछ बीमारी वगैरह नहीं है। तो अभी आप अपने घर में रहिए, जान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिटनेस तो इस एग्जाम में सबसे बड़ी क्या सब किया है, फिटनेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आपने शानदार तैयारी कर दी, और लापरवाही वगैरह से या शादी ब्याह ज़्यादा फंक्शन अटेंड करने के चक्कर में, या दोस्तों की जन्मदिन पार्टी या खाने पीने की पार्टी अटेंड करने के चक्कर में अगर आप एग्ज़ाम के पहले कोरोना के चक्कर में फंस गए, तो फिर 14 अब तो 17 दिन का होता है, 17 दिन आप फंस जाएंगे एग्ज़ाम। हो सकता है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए अलग से व्यवस्था हो, या जो भी कैसे व्यवस्था होगी वो बात की स्थिति है, लेकिन आपको हो सकता है इसके कारण आपको एग्ज़ाम के जस्ट पहले बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो ये जो चीज़ है इसका भी आप इस बार विशेष ध्यान रखिएगा, फिटनेस पर भी हमें फोकस रखना है, और बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी। जब आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की तब तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि इतनी बड़ी जॉब आई है, 31,000 पद बहुत बड़े पद होते हैं, ऐसी वैकेंसी वापस आपको इलेक्शन ईयर में मिलेगी, उससे पहले वैकेंसी शायद मिलेगी भी नहीं। तो और फिर नई शिक्षा नीति भी लागू हो गई, तो फिर वो आपके लिए और कह सकते हैं जो मार्ग है सफलता का वो दुर्गम हो सकता है। अगला सवाल आता है कि सर कोचिंग का क्या करें, ऑनलाइन कोचिंग, कौन से कोचिंग क्लास ज्वाइन करें? तो दोस्तों मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि रिट एक ऐसा एग्ज़ाम है, शायद संभवतः ऐसा एग्ज़ाम है जो आप आराम से बिना कोचिंग के हैंडल कर सकते हैं, इवन कोचिंग से बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप घर पर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसमें इतना वो मतलब जो 10th 12th लेवल तक का स्टैंडर्ड ही होता है, तो आप घर पर तैयारी मेरे ख्याल से कोचिंग से कई गुना बेहतर ढंग से कर सकते हैं। फिर भी अगर आप कोचिंग करना चाहिए किसी जैसे किसी पोर्स में, साइकोलॉजी का पोर्स, साइकोलॉजी बहुत ही ईजी है अगर इंटरेस्टिंग ढंग से लेके पढ़े, फिर भी अगर आपको लगता है साइकोलॉजी या कोई लैंग्वेज, जैसे कि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज ले रखी है या संस्कृत ले रखी है, उसमें आप कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे हैं,
तो उस सिचुएशन में आप चाहें तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई आपकी वो आपकी स्टैंड पर डिपेंड करता है। लेकिन कोचिंग को लेकर मेरी सलाह ये रहेगी कि जो भी एक ब्रांड है, ऑनलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूँ, जो ब्रांड है कोई भी ब्रांड हो सकता है, चाहे वो उत्कर्ष का हो सकता है, दुरीना ऐप है, और भी परिष्कार ऐप है, कोई भी होगा, तो आप जो इन पे थोड़ा अधिक विश्वास करें, ना कि जो नए नए किसी ने ऐप लॉन्च की है किसी दूसरे क्षेत्र से संबंधित रहा और वो एकदम से नया रिट के क्षेत्र में रिट की वैकेंसी की बड़े स्टूडेंट्स की गैदरिंग को देख के इस पे आया हो, तो उन पे आप ट्रस्ट नहीं करें। अगर कोचिंग पहले बात कोचिंग करें ही नहीं, अपने पैसों का भी महत्व बचेगा, टाइम भी बचेगा, क्योंकि बहुत लंबे लंबे वीडियो होते हैं, उबाऊ वीडियो होते हैं, आपका टाइम खा जाएंगे, और अब तो बहुत ही कम टाइम रहेगा एग्जाम में। अगर फरवरी तक एग्जाम होता है तो सिलेबस थोड़ा इतना छोटा भी नहीं होता है कि आप जल्दी उसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो बुक से ही पढ़ें, सबसे बड़ी सलाह तो ये रहेगी, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, चाहे वो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनसे ही पढ़ें। हाँ, जहाँ जहाँ आपको थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स काफ़ी अवेलेबल हैं अलग अलग चैनल्स पे, तो वहाँ पे उनकी सहायता ले सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास, जिसे कहते हैं, अगर आप बादशाह हैं, ठीक है, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, होपफुली जो इन 6 प्रश्नों के माध्यम से आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनका हमने समाधान करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है, या फिर मैं जो सोच नहीं पाया हूँ, आपके मन की बात को समझ नहीं पाया हूँ, तो आप अपना जो प्रश्न है बड़े सलीके ढंग से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर वो प्रश्न उचित लगेगा तो हम उसका जवाब है आपको एज सून एज पॉसिबल देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।